और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला खूब 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 बरकतें और कामयाबियाँ अता करें, आमीन। तो भाई, मैं आई थी अपने ससुराल में, ये जो है वो मेरवाला अपार्टमेंट कहलाता है, चौल सिस्टम है, लेकिन बहुत मज़ा आता था यहाँ पर। मैं भी पहले यहीं पर रहती थी और हमें इफ्तारी की दावत थी, तो हम जो है वो आए थे बच्चों की दादी के घर पे, मतलब मेरे ससुराल मेरी सांस के घर पे हम लोग आए थे। तो यहाँ पर हमारी आखिरी जो है वो इफ्तारी और आखिरी सहरी थी, क्योंकि अब जो मेरी सांस है उन्होंने घर भी जो है वो चेंज कर लिया है। तो इस बार जो है वो आखिरी हमने कहा था कि इफ्तारी करेंगे और सहरी भी करेंगे यहाँ पर। तो बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड थे, मुझसे पहले जो है बच्चे पहुँच चुके थे और मैं थोड़ा लेट गई थी एज़ यूजुअल हस्बैंड के साथ। अस्सलाम वालेकुम। और भाई यहाँ पर जो हैं वो अम्मी थाल अलग अलग कर रही थी, और लेडीज़ का और जेंट्स का। जेंट्स में भी जो है वो हमारे में कम ही लोग होते हैं, तीन ही तो भाई बहन हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी नन और मेरे देवर। छोटी सी फैमिली है हमारी, तो और बच्चे होते हैं बस, मेरे बच्चे होते हैं, देवर की बेटी होती है, बस इतनी छोटी सी हमारी फैमिली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा बहुत है हमारी फैमिली के अंदर। तो जेंट्स का जो है वो अलग बनता है और लेडीज़ का जो है वो अलग रूम में हम लोग होते हैं। बाकी खाना वगैरह रात का हम लोग साथ ही खाते हैं, लेकिन इफ्तारी के वक्त अलग अलग इसलिए बैठते हैं, बच्चे बड़ा तंग करते हैं इस वजह से। कैसी हो? हाँ, ईशा इतनी छोटी सी होती थी, बल्कि हमारे सामने यहीं पर ही पैदा हुई थी और अब इतनी बड़ी हो गई है। भाई ईशा बड़ी हो गई है ना, ईशा बड़ी हो गई हो ना। है फातिमा, ये कौन है? फातिमा ये कौन है? है फातिमा, हाँ अमियाँ दे रही है। ये कौन है? ये कौन है फातिमा? ये कौन है? अमिया जानू दे रही हैं, आप पहले बताओ ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अच्छा, नाराज हो गई अल्लाह, मेरी बेटी नाराज हो गई है। ईशा हाया मारती है आपको? नहीं मारती है। अब आ ना रही, हाथी ने खाई है दो दिन से मार, और हाथी को मिली घड़ी। ये सारे हाथी के स्टेप्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात स्टेप्स वाली, एक हीरा और एक चाचू, चार पाँच छः सात, अच्छी आदि। मुझे देना तो पहनने के लिए, बाबा है कहाँ? और बाबा ने कहाँ से ली, कहाँ से ली आप लोगों ने? जैन चाचू की दुकान से। मैं जैन चाचू को बोलूंगी, वो मुझे फ्री में देंगे। हाँ हाँ, इसका चार्जर है। वाओ, आदिया आदिया, तेरी गलती है ना, तेरे को छोटी पहन के लिए पहले खरीदना चाहिए ना। तो ये बोल दे जिनका पापा को बोल दे, मार दे रुपए दे रुपए, पापा नहीं मारो रुपए, नहीं मारो तेरे पापा, मार दे ना मेरे बहन आती हो। हां हां, जय हादी मार खाई दे तो रोवे हादी अपेले हो, हादी अपेले रोवे। खड़ी रहती मेरे भाई को भी क्यों मार रहे हो? ए बन इधर, मैं उठती उठती बे बेनू क्या आ गया कि तेरे कुछ ले। बाबा नहीं है, ईशा लग रही है। ईशा ए मिजाब है, मिजाब मिजमी ईशा। अस्सलाम वालेकुम मिजाब। इब्राहिम भाई 10,000 नहीं घड़ी। और फिर रात को खाना खाने की बारी आई थी, अम्मी ने बहुत एहतमाम किया हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह। और अम्मी शुरू से ही जो है वो, जब मैं हम लोग साथ भी हुआ करते थे तब भी अम्मी डेली जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा बनाना उनकी रूटीन में शामिल था। तो यहाँ पर जो खाना खाया जा रहा था, हस्बैंड का इंतज़ार करते थे लेकिन वो नहीं आए, तो फिर ये लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो हस्बैंड भी आ गए थे, और बस अब ये था कि हम लोगों को काफ़ी वो हो रहा था कि जो है वो आखिरी आखिरी हम यहाँ पर जो है वो
इफ्तारी कर रहे हैं, बच्चे भी यही कह रहे थे कि आज तो हम यहाँ पे सहरी भी करके जाएंगे। तो मैं तो फिर खाना खा के फिर सो गई थी, फिर उसके बाद जो है वो सहरी में उठी थी। तो फिर मैं तो सो गई थी, जैसे ही सोकर उठी तो यहाँ पर सहरी का अहतमाम हो रहा था और बच्चे जो है वो अपने चाचू के साथ यहाँ बैठे हुए थे, और हया फातिमा जो है वो अपनी बहन को जो है वो वॉशरूम में बंद कर रही थी, लॉक लगा रही थी। अच्छा, ये जो है ना, ये रूम मेरा हुआ करता था जब मैं यहाँ पर थी, तो ये बस छोटा सा रूम मेरा था, बल्कि छोटा नहीं था, अच्छा खासा बल्कि बड़ा था ये रूम, और गैलरी थी, बहुत मज़ा आता था। बस वो कहते ना, बहुत सी यादें ज़िंदगी के 10 साल, आई थिंक नहीं 10 नहीं 11-12 साल जो है वो मैंने यहाँ पर गुजारे थे, और इस रूम के अंदर बहुत सी यादें जो है वो वाबस्ता है मेरी। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाती हूँ ये सारी चीज़ें देख कर भी, ज़ाहिर है। हालांकि मैं मुझे आए हुए तो शादी करके जो है वो कुछ ही साल हुए थे, लेकिन हस्बैंड वगैरह जो है वो यहीं पर पैदा हो गए, मेरे हस्बैंड तो यहीं पर जो है वो आए थे, और मेरे देवर जो है वो पैदा यहीं पर हुए हैं, तो इन लोगों की तो कितने इमोशंस जो हैं वो यहाँ से जुड़े हुए होंगे। आखिरी इफ्तारी, आखिरी फेरी। नहीं भाई, घर जाएंगे, सहरी कर लो फिर घर चलते हैं। अरे भाई मैंने नहीं लिया, भाई वो रास्ते में जा रहे थे तो हमें भी दिया उन्होंने, और बाबू को मना भी नॉट हो गया। इधर ये हमारी है सामने वाली बिल्डिंग, इस पर हमारी कहाँ से नहीं, इसके बारे में सुमैया बिल्डिंग, लेकिन हम बोलते सामने बिल्डिंग, सामने बिल्डिंग। और ये एक गली है जिसमें सब कचरा फेंक रहे होते, कभी इसको साफ नहीं रखते, तो हमने इसका नाम रखा था गंदी गली। तो गंदी गली ही बोलते हैं। बस अब यहाँ पर जो है वो हमारा आखिरी, हमारी आखिरी शहर है। अब शायद मैं रुकने कर लेती हूँ। ये जगह मेरी फेवरेट जगह है। हाँ, इस जगह पे हमारे बकरे होते थे। ये मेरी जगह अच्छी है। ये जगह बहुत बेस्ट, यहीं से हमारा बकरा गिरा था, तो ये थोड़ी यादगार जगह है हमारे लिए। यहाँ से हमारा बकरा गिर गया था, नीचे गिरा था, बराबर बिल्डिंग में गिर गया था, नीचे थर्ड फ्लोर से। चलो मिलवा, कहाँ से है? अम्मा के थे घर में पहनने की, तो अम्मा जो है वो पहनती नहीं थी, तो अम्मा ने बोला मेरी पहनती थी आपने। अब इंशाल्लाह अम्मा के नए घर पे अगले साल से होंगे, जब दावत होगी तब नए। और ये हमारा मिल वाला है, ये हमारा मिल वाला है। यहाँ का वैसा कोई नहीं जो एक दूसरे को, कितने ऐसे हैं जो हमें नहीं जानते होंगे कि हम हैं कौन। तो हमने तो 3 साल पहले ही छोड़ दी है बिल्डिंग, अब अम्मा लोग छोड़ेंगे। अब यहाँ पे सारे वो आ रहे हैं हिंदुस्तान, ये यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से बातें कर रहा होता, बारिश होती थी और सब बाहर निकलते थे, कितना मजा। और यहाँ पर जो है वो हादिया और हादी और सब खेल रहे होते थे, सारे बच्चे होते थे यहाँ पर, ईशाल, अनमता, मरियम, पहला वाला। और यहाँ पे बारिश में नहाने जाते थे, और छत तो बेचारी आधी टूट गई थी, इसलिए छत तो खुल गई। मुझे ऊपर नानी के घर भी जाना था, बीच में बैठ के प्लेटें उबाट रही है। कौन है? आ इधर आ, तो भाई इसी के साथ ही हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए थे सैरी कर कर, और बच्चे जा चुके थे और मैं हस्बैंड के साथ दूसरी शिफ्ट में मैं जा रही थी बाइक पर। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ जो है वो हमारा ये रमज़ान गुजार दे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अपनी खास दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।